छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमिहीन परिवारों के लिए बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह ऐलान किया है कि छत्तीसगढ़ सरकार भूमिहीन परिवारों को हर साल 6,000 रुपए देगी। खास बात यह है कि अभी तक केवल केंद्र की मोदी सरकार छोटे और मध्यम जोत वाले किसानों को हर साल 6,000 रुपए दे रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार की योजना भूमिहीन परिवारों के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने यह ऐलान किया है और वित्त वर्ष 2021-22 के पहले अनुपूरक बजट के लिए मांग प्रस्तावों पर जो बहस हुई है विधानसभा में, उसका जवाब के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया है। और साथ ही चर्चा के बाद 2,485 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट भी पारित किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि प्रदेश में राजीव गांधी ग्रामीण कृषि मजदूरी न्याय योजना लॉन्च की जाएगी, जिसके तहत ऐसे परिवारों को हर साल 6,000 रुपए दिए जाएंगे जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और वे मनरेगा या फिर कृषि मजदूरी से जुड़े हुए हैं। ये भी बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इस योजना के तहत धोबी, नाई, लोहार और पुजारी भी लाभान्वित होंगे। ये योजना इसी साल यानी कि 2021 से ही लागू हो जाएगी। साथ ही उन्होंने इसके लिए पूरक बजट में से 200 करोड़ रुपए के प्रावधान का भी ऐलान किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो लोग मजदूरी से जुड़े हैं, चाहे वो मनरेगा हो या फिर कृषि मजदूरी हो, उनसे जुड़े हुए लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।